भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक अजय चंद्राकर ने 76वें स्वतंत्रता के अवसर पर रायपुर में आयोजित झंडारोहण के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई 15 घोषणाओं को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में केवल 2 महीने शेष है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को आदत लग गई है हवा हवाई बात करने की। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर भी इन्होंने ठगने का कार्य जारी रखा। आपने जितनी घोषणाएं की है उसके न तिथि मालूम है, न अवधि का कोई पता है। किस योजना के तहत कितनी राशि खर्च करें, इसे संचालित करेंगे, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो 15 घोषणाएं की हैं, उससे उनकी विश्वसनीयता खत्म हुई है और स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर ऐसी बातें उनको नहीं करनी थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी नाम की कोई संस्था ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। हिंदी ग्रंथ अकादमी थी, उसमें तो आपने ताला लगवा दिया। छत्तीसगढ़ के किसी आदमी को 5 साल तक लिखने पढ़ने प्रकाशन का कोई अवसर ही नहीं मिला। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, प्रदेश में निर्भया फंड का उपयोग नहीं हो पा रहा है और इसको कब से लागू कर रहे हैं आप, ये आप बता नहीं रहे हैं। और लगातार जो घटनाएं हुई हैं उसमें आपने किसी के ऊपर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। छत्तीसगढ़िया को ओलंपिक करवा रहे हैं और 3 वर्गों में आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की, उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस साल में 2 बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हो रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जितने खेल आपने शामिल किए हैं, उतने खेल के लोगों को, विजेता लोगों को आप उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करेंगे, क्योंकि 5 साल में आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के लिए अवसर और फुर्सत नहीं मिली। तो अब सभी खेलों के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट करेंगे तब इसका अर्थ होगा। और साल में आप 2 बार 3 बार 4 बार आयोजित करते हैं तो तीनों चारों बार के प्रतियोगियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करें। आप कुक्कुट पालन और रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा देने जा रहे हैं, इसमें भी आपने समयावधि नहीं बताई। 1.5 महीने बाद चुनाव, इसको कब से कैसे लागू कर रहे हैं, क्या दिशा निर्देश इसके बने हैं, कब जारी होंगे, कैसे जारी होंगे, थोड़ा बताने का तो आप कष्ट करें। अब आप कहते हैं कि 11वीं 12वीं के बच्चों को तैयारी करवाने के लिए ऑनलाइन कोचिंग करेंगे। मैं तो आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप करवाइए कोचिंग, लेकिन कब से शुरू होगी, कहां पर शुरू होगी, क्या फीस होगी, कोई दिशा निर्देश आपके हैं कि नहीं है। आप बोल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट हर जिले में खोलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के अनुकूल एक भी पद स्थापना 5 साल में हुई है, उच्च शिक्षा विभाग के रिक्त पदों में हुई है, तो अब बता दीजिए एक भी पद स्थापना को। तो ये जुबानी जमा खर्च है और छत्तीसगढ़ के लोगों को आप ये समझते हैं कि ये लोग कुछ नहीं जानते, मैं जो कहूंगा वही काम करेंगे। आप बोल रहे हैं कि हम मुफ्त में आने जाने की सुविधा देंगे, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। आप बताइए छत्तीसगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहां पर, ग्रामीण कॉलेजों में कैसे आप देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है तो कॉलेजों के लिए अलग बस चलाने जा रहे हैं क्या, ये आप बताने का कष्ट करें। आज आप IT में मशीन लर्निंग में कोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, ये शिक्षा सत्र शुरू हो चुका, 5 साल तक आपकी सरकार या आप सोए हुए थे ऐसा मुझको लगता है। छत्तीसगढ़ की बोली भाषा को संरक्षण देने के लिए आपने कदम क्या उठाए? आपके पास 5वीं तक उनको पढ़ाने के लिए कोई कोर्स तैयार है, कोई किताबें तैयार है कि आप सिर्फ भाषण देना है, कोई विषय आपको नहीं मिला? 5 साल में आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको उल्लेख किया जा सके। बाकी पैरा तो तनख्वाह बढ़ाने की, तो तनख्वाह बढ़ाने में कोई अकल लगती नहीं। आपको कर्जा लेना है, या तो भ्रष्टाचार करना है या तनख्वाह बढ़ानी, तो इसको बढ़ाइए। लेकिन बाकी विषय में ना आपने तिथि बताई, ना योजना बताई, ना बजट बताया, ना अवधि बताई लागू करने के लिए, और ये छत्तीसगढ़ का के साथ छल है। कृपा करके 15 अगस्त के भाषण में लोगों को छलना बंद कीजिए। ये दिवस छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के लिए गौरव का दिवस है, जिसमें देश के नेता, प्रदेश के नेताओं की बात गंभीरता से सुनी जाती है। आपने उस भाषण की गंभीरता को, उस संबोधन की गंभीरता को खत्म कर दिया। इस अवसर का उपयोग आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने के लिए किया, यह उचित नहीं है।